तो बच्चों आप लोगों की हेल्प के लिए हम केमिस्ट्री के भी आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में भी आपको कुछ हेल्प करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। तो बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि भी केमिस्ट्री के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दें सर। तो आपके लिए ये बुक हमने अभी परचेज़ की है, आज ही परचेज़ करके लेके आए हैं ये। अब इसमें हम देखेंगे भी क्या चीज़ आपको करनी चाहिए स्टार्टिंग में। अगर आपने केमिस्ट्री में कुछ नहीं किया है, अभी तक भी कुछ नहीं किया है, बहुत ही मतलब काफ़ी वीक है आपकी प्रिपरेशन, तो आप उसको कैसे स्ट्रोंग या फिर आप कैसे एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो कैसे लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो पासिंग मार्क्स अभी भी ला सकते हो आप। अभी हमारे पास कल का दिन है और आज का दिन है, ठीक है, मंडे में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। अगर बच्चे कुछ डर रहे हैं कि भाई हमने पूरे साल कुछ नहीं किया, तो अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है। आप इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम आपको बताएंगे और आप उनको अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप उसमें पासिंग मार्क्स और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। मोर देन 50% से आप अब जा सकते हो, 60% इजिली स्कोर कर सकते हो अगर आप इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को कर लेते हो। तो आपको पता है कि काफ़ी सिलेबस इसमें रिड्यूस भी हो गया है। तो हमारी ये बुक है, ये कौन सा है, केमिस्ट्री की। तो मोस्टली जो पेपर एग्जाम आता है हमारे भाई इसी के टॉपिक्स पर आता है, ICSE इसी को ही यूज़ करती है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें जैसे हमारे पास चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हमें इसका इंडेक्स दिया है यहाँ पर, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स हैं, आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेस सोल्ट थर्ड वाला, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड में हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ओके, ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स में से हमें किसे करना चाहिए पहले, कौन से चैप्टर हमारे लिए ईजी होंगे जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। देखो मोस्टली आपको पता है बच्चे, जैसे हमारे पास क्या आती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है। तो अगर आप ये ऑर्गेनिक वाला केमिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर लेते हो तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा आता है हमारा, इससे हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फिर ये जो हमारे कंपाउंड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप इनकी बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह फॉर्मूलाज और क्या कर सकते हो प्रिपरेशन वगैरह सीख लेते हो तो ये आपको डायरेक्ट नंबर दे देते हैं। ओके, और फिर हम जैसे बात करते हैं मेटलर्जी, मेटलर्जी में हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल्स है वो वाला हमारा पोर्शन ही डिलीट हो गया है, तो इसलिए जो मेटल का अकरेंस है, मेटल्स के मतलब ओर्स के टाइप्स हैं, वो सभी अगर आप लर्न कर लेते तो उसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जैसे हमारा आ रहा है यहाँ पर ये चैप्टर, ओके, ये है हमारे पास। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों को कम समझ में आता है, तो आप इसे अगर स्किप भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें से काफ़ी पोर्शन हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे एसिड बेस और सोल्ट में, एसिड बेस और सोल्ट में आप कर सकते हो पीरियोडिक टेबल, काफ़ी इजी चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर हो गए। और फिर हमारे मेटलर्जी के सिंपल जो ओर्स वगैरह है उनको आप लर्न कर लेते हो अगर, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस भी सिंपल हैं इसको भी आप कर सकते हो, एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अगर ये पोर्शन आप कर लेते हो ना तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। पास तो हर एक बच्चा होने वाला है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि आप पास नहीं होंगे। तो बस आपको अब 2 दिन जो आपके बच रहे हैं, इन 2 दिन में आपको क्या करना है, बिल्कुल क्या कहते हैं जिसे ईमानदारी कहते हैं, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी है। अभी तक अगर आपने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई नहीं करी ना तो ही आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जो बच्चे अपना मन से लगाकर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से मन लगाकर पढ़ते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अभी भी देखो आपके पास टाइम है, जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते कि भाई अब सभी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर लें, सभी एकदम से ऑनेस्ट रहें। बच्चे का देखो, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सभी का मन ऐसा ही होता है कि वो विचलित रहता है। आप बीच बीच में आप क्या कर देते हो भाई, आपने क्या आप स्टार्टिंग में से आप 10th में आपने सोचा कि भाई अब मुझे स्टडी करनी है सही से अच्छे मन से लगन, लेकिन कुछ दिन हुए 4-5 दिन फिर आप वही उसी वे में आ गए। तो ऐसा सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, नहीं, सभी के लिए सभी चीज़ें डिसाइड हुई है कि भाई किसको क्या करना है, आप अपने आप उस चीज़ को समझ जाओगे जैसे जैसे आप चलते जाओगे, ठीक है। आपको बस अपना जो वर्क है ना वो अपना बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है। आप जिस भी काम में अपना टाइम दोगे ना, जिस भी वर्क में आप टाइम दे रहे हो, अभी भी आप टाइम दे रहे होगे ना, जिस भी वर्क में आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग में टाइम दे रहे हो, तो आप देखोगे कि आप गेमिंग में बेस्ट हो, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में मन लगाकर अपना वर्क करोगे बिल्कुल ईमानदारी से, जिसमें कोई चीटिंग नहीं कि भाई आलस आ रहा है, मतलब नींद आ रही है, ये आ रहा है, ये है, वो करना है, ये करना है, नहीं, जिस काम को करते हुए आप सब कुछ भूल जाते हो ना, वही काम आपके लिए बना है और वो सबसे आपके लिए बेस्ट है, वो आपको ऐसी अचीवमेंट दे सकता है लाइफ में जो आपको कोई वर्क नहीं दे सकता, ठीक है। आपके लिए क्या गलत है क्या सही है आप अगर नहीं भी जानते हो,
लेकिन देखो अब आपके पास आपकी वो एज नहीं रही कि भी आप नहीं जानते कि भाई क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है, आप उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। आपके लिए जो सही है वो आपको पता है, लेकिन करना आपको होगा वो कि भाई हमें सही करना है गलत करना है, ठीक है। चीज़ें गलत हो जाती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई उससे लाइफ ख़राब हो गई पूरी, नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना ही लाइफ है। तो अब इतना सारा जो हमने स्पीच दे दिया उसको थोड़ा सा भूल जाए हम अपने इस पर आ जाते हैं कंटेंट पर, ठीक है। तो ये हम चैप्टर्स की जितनी बात कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या करना होगा देखेंगे। तो इसमें आप जो जैसे ही हमने बात की भाई आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है पूरा आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कर लेते हो आप, काफ़ी सिंपल चैप्टर से ये आपको हम बता देंगे भाई किस तरीके से आपको इसे करना है, ओके। तो सिंपल चैप्टर्स है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये जैसे हमारा साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज डिक्रीज, रेडियस इंक्रीज डिक्रीज, ये सभी हमारे पास ये किस तरीके के आते हैं हमारे चैप्टर इसमें कि भाई ग्रुप्स और पीरियड्स में अगर हम क्या करते हैं मूव करते हैं तो क्या चीज़ें क्या कैरेक्टर्स किस तरीके से चेंज होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर नॉन मेटलिक कैरेक्टर, ये इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर काफ़ी सिंपल चैप्टर है और आप इसे बस एक वे में मतलब एक लिंक बनाकर अगर आप एक दूसरे से पढ़ते हो तो इन चीज़ों को भूलते नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है भूलने की, चीज़ें आप लर्न करते हो सब गायब हो जाती है, दिमाग खाली, ठीक है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें याद रहें, आप उनका लिंक बना लें जो भी चीज़ें आप लर्न करने वाले हों, ओके। सिंपल वे में पढ़ें, जब आपके पास टाइम कम होता है कंटेंट ज़्यादा होता है तो वही टॉपिक्स उठाने होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब आपको सभी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ सकते, अब आपके पास वो टाइम नहीं है, ठीक है। सिंपल्स और कॉन्साइज पढ़ना है बिल्कुल आपको, जिससे कि आप अपना पासिंग तो कर सकें एटलीस्ट, ओके। ये केमिकल बॉन्डिंग वाला भी चैप्टर सिंपल है, इसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें अगर आप कर लेते हो तो आप आसानी से इनकी बॉन्डिंग वगैरह कर लोगे इसमें, ओके। तो ये चैप्टर्स हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वाला, इसे इजीली आप कर सकते हो। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं हमारे उनकी भी बात कर लेते हैं, अभी जैसे ये हमारे चैप्टर्स हैं तो इसको आप यहाँ पर सोल्ट एंड देयर प्रिपरेशन वगैरह ये चैप्टर्स आप कर लें, ओके। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको गाइड करेंगे भी किस किस चैप्टर को आप किस तरीके से करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।